दोस्तों आप लोगों में से प्रिया वरियर को कौन नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इन्होंने पिछले 24 आवर्स के अंदर पूरा इंटरनेट को हिला के रख दिया है। कहने का मतलब 24 आवर्स के अंदर प्रिया वरियर इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है। और इनका जो फॉलोअर था इंस्टाग्राम पे वो लगभग था 72K तक ही था, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद उनका जो फॉलोअर है वो तकरीबन 1.7 मिलियन तक बढ़ चुका है, जैसे कि मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले चेक किया था। सो गाइस, आप सब कह सकते होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये तो कोई टेक्निकल वीडियोस नहीं है। नहीं दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में इनके बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि इन्होंने कौन सा स्ट्रेटेजी ऐसे यूज किया है, कौन सा टेक्निक यूज किया है जिसके कारण से रातों रात इनका जो वीडियो है वो वायरल हो गया और ये इतना जल्दी फेमस बन गई। सो गाइस, अगर आप यूट्यूबर है या फिर ब्लॉगर है तो आज का ये वीडियो अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में इनका केस स्टडी करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर आप भी इनके द्वारा यूज करके अपना जो ब्लॉगिंग पोस्ट या फिर यूट्यूब का जो वीडियो है वो बहुत ही जल्दी वायरल बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से आप भी इनके द्वारा फेमस हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिर्बान और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन टेक गुरु की और एक एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम गवा के लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, अगर आप अभी भी नहीं जानते कि ये कौन है तो कोई बात नहीं, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इनका जो नाम है, इनका पूरा नाम है प्रिया प्रकाश बरियर। तो ये केरला से बिलोंग करती है और ये एक मलयालम एक्ट्रेस है। तो इनका पहला मलयालम का फिल्म था जिसका एक गाना रिलीज हुआ और रिलीज होने के बाद ये रातों रात ही वायरल बन गया और ये रातों रात ही फेमस बन गई। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो ऐसा कौन सा टेक्निक था, ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी था जिसके कारण से ये रातों रात फेमस बन गई। तो मेरे हिसाब से ऐसे तीन फैक्टर काम में आया इनको फेमस बनाने के लिए। तो सबसे पहला था टाइमिंग, दूसरा था कंटेंट और थर्ड था कनेक्शन विद ऑडियंस। तो बात करें टाइमिंग को लेके, तो फिलहाल फरवरी मंथ चल रहा है और ये वैलेंटाइन डे वीक है। तो फिलहाल जितने भी लवर होगा वो अपना एक दूसरे को लविंग मैसेज भेजेगा, लविंग वीडियोस भेजेगा। इसके अलावा यूट्यूब पे जो व्हाट्सएप वीडियोस का क्रिएटर रहते हैं वो भी कुछ इस तरह का वीडियो का सैंपल ढूंढते ताकि वो इस तरह का एक लव का मैसेज बना पाए और जो कि व्हाट्सएप में बहुत ही आसानी से शेयर हो पाए। सो टाइमिंग इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये ऐसे टाइम में लॉन्च किया जबकि लव का सीजन चल रहा था। दूसरा जो फैक्टर है वो है कंटेंट। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें एक बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत सी लड़की है जिसका नाम है प्रिया वरियर। तो बहुत ही खूबसूरत लड़की है, तो वो एक लड़के की तरफ देखा, आंखों आंखों में इशारा किया, फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और उसके बाद थोड़ा सा आग भी मार दी। और ये सब करने के बाद क्या हुआ, जो इसका जो प्लॉट है, इसका कंटेंट है बहुत ही अच्छा लगा और इसका जो सीन हो दिखाना चाह रहा था, इसका जो प्लॉट है वो स्कूल में हो रहा था, कहीं गाना बज रहा था और ऐसे कुछ हो रहा था जो कि ऑडियंस को बहुत ही पसंद आया और कंटेंट बहुत ही अच्छा था। और इसके बाद बात करते कनेक्शन विद ऑडियंस। जैसे आपको बताया कि अभी वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है यानी कि लव का सीजन चल रहा है, तो किसी भी व्यक्ति अगर देखता है तो वो अपने साथ रिलेट कर पा रहा था, उस चीज को फील कर पा रहा था। इसके अलावा हर कोई तो सोचते होंगे जब स्कूल में था तो इस तरह का गर्लफ्रेंड के बारे में हर कोई सोचते होंगे कि इस तरह सा कुछ उसके साथ होता तो बहुत ही अच्छा है, पर ऐसा हर कोई सोचता है। तो इसके कारण से क्या, इसका जो प्लॉट, इसका जो सीन था, जो कंटेंट था और टाइमिंग था वो मैच हो गया और ये बहुत ही अच्छा लगा, जो ऑडियंस उसको बहुत ही अच्छा लगा और ऑडियंस बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए। तो ये तीन फैक्टर था जिसके कारण से इसका वीडियो हो गया वायरल और ये अतुरत फेमस बन गए। तो गाइस, अगर आप भी यूट्यूबर या फिर ब्लॉगर है तो आप भी कोशिश कीजिए कि इस तरह का स्ट्रेटेजी लेके अपना वीडियोस को बनाना या फिर इस तरह के स्ट्रेटेजी को लेके अपना पोस्ट को करना। तो आप टाइमिंग के हिसाब से पोस्ट कर सकते हो, कंटेंट अच्छा बनाओ और जो है कि लोग पसंद करे ऐसा कंटेंट बनाओ, तभी आपका भी जो पोस्ट होगा या फिर वीडियोस होगा वो भी रातों रात वायरल हो जाएगा और आप भी रातों रात फेमस बन जाएंगे। सो गाइस, वीडियो को जिस प्रकार का था जिसमें आपको बताया कि प्रिया वरियर कैसे फेमस बन गए, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनका इसका बहुत ही जरूरत है, यानी कि वो भी शायद चाहते होंगे इस तरह का स्ट्रेटेजी को यूज करके अपना वीडियो से भी ब्लॉगिंग पोस्ट को वायरल बनाना। और दोस्तों, इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आपसे फिर से मुलाकात होगा मेरी अगली वीडियो तक, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।